नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर आलू और मसूर की दाल के साथ। तो सबसे पहले देखिए, पाव किलो ये मसूर का दाल था, इसको मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिगा दी थी। अब इधर देखिए, पाव किलो से ज़्यादा आलू है, आलू को छील लेना है और जो भी काट लेना है अपने हिसाब से, आपको कैसा अच्छा लगता है ऐसा काट लेना है। और यहाँ पर देखिए 125 ग्राम पनीर है। यहाँ पर बघार के लिए देखिए एक छोटा सा प्याज ली हूँ, 6-7 हरी मिर्ची है कटी हुई, थोड़ा सा तेज पत्ता है, इधर पे एक करी पत्ता की डंडी थी वो छुरा के रखी हूँ, थोड़ा सा करस किया हुआ लहसुन है, ये सब इतना, ये और इतना ये सब बघार में जाएगा, इसको मैं दाल में ऐड कर दूँगी हरी मिर्ची से। यहाँ पर मसाले में देखिए 2 छोटा चम्मच व्हाइट नमक है, 1 चम्मच भर के ये गुटकी मिर्ची पाउडर है, 1 चम्मच ये काली मिर्ची जीरा पिसा हुआ है, ये हल्दी पाउडर है। और यहाँ पर देखिए एक गड्ढी मैंने पालक लाई थी, जिसको अच्छी तरह से साफ कर लेना है और साफ करके 2-3 पानी से धो लेना है, साफ सफाई भी जरूरी है माशाल्लाह। यहाँ पर देखिए कुकर में कम से कम 1 लीटर पानी है, वो पानी में हम जब तक को पालक है, पालक और दाल को ऐड कर देंगे। दाल को भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसमें हरी मिर्ची इसको ऐड कर देंगे, आप चाहे तो एक प्याज भी ऐड कर सकते हैं, मैं आज प्याज नहीं डालूंगी। इसको चम्मच से अच्छे से मिला करके ढक्कन लगाना है। इसमें नमक भी नहीं ऐड करेंगे, आज ये सब मसाला बघार में जाएगा। यहाँ पर देखिए टमाटर में भूल गई थी, 4 छोटे छोटे टमाटर ली हूँ, इसको धो करके इस तरह से बारीक काट लेना है। आलू है, आलू भी यहीं पर काट लेंगे। तो यहाँ पर मीडियम साइज का आलू काट लेना है, ज़्यादा बड़ा नहीं काटना है। अब यहाँ पर देखिए पनीर है, पनीर भी काट के हम सब इंतजाम कर लेंगे। तो इस तरह से इंतजाम करने से क्या होता है, खाना बनाना आसान हो जाता है, और आप लोग भी बनाइए। और खाना कभी भी खुश होकर बनाना चाहिए, और मुझे खाना बनाने का बहुत शौक़ है, बहुत अच्छा लगता है कोई भी काम करने को, मैं कभी मतलब नाराज़ नहीं होती काम से, तो ये काम है बहुत करना पड़ेगा ऐसा। और यहाँ पर देखिए पनीर मसाला है, तो ये भी उसमें जाएगा, हिसाब से डालेंगे। और पनीर भी काट के हो गया, सब तैयारी हो गई, अभी दाल बन जाएगा तो इसको हम बघारेंगे सबको। तो अभी हम पालक दाल देख लेंगे ज़रा। तो देखिए मसाला अच्छे से पक गया है, इसको थोड़ा हम घाट लेंगे, तब तक हम फिलहाल कढ़ाई चढ़ा देंगे, कढ़ाई गर्म हो जाएगा थोड़ा देर में। देखिए दाल घोटनी है, इसे हम थोड़ा सा घाट लेंगे, बारीक कर लेंगे। यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो गया है, तो हम कम से कम यहाँ पर 100 ग्राम तेल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा कम जीरा ले लेंगे बघार के लिए। और देखिए प्याज है, लहसुन है, इसको गर्म कलर का भूनेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक ले लेंगे, इसमें थोड़ा सा हल्दी ले लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने पनीर को फ्राई कर ली हूँ, और ये आलू है, टमाटो है, दोनों हम साथ में भून लेंगे, और पनीर हम फ्राई कर लेंगे, निकाल लेंगे मतलब बर्तन में। और यहाँ देखिए जो मसाला है उसको भी ऐड कर देंगे यहीं पर, और 2 मिनट के लिए ढक्कन डाल करके आलू को फ्राई करेंगे। देखिए यहाँ पर आलू भी फ्राई करके हो गया अच्छे से, और टमाटर भी देखिए अच्छे से पक गया, मतलब भूल गया इसी में, माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इधर देखिए मेरे पास पनीर मसाला है, मसाला हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे, हिसाब से ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना है। ये देखिए
मतलब डेढ़ चम्मच है, छोटा चम्मच से इतना ऐड करना है। थोड़ा सा मिला लेंगे, देसी घी है, थोड़ा सा घी ऐड करेंगे टेस्ट के लिए। यहाँ पर देखिए दाल ऐड कर देंगे, चूल्हा साफ रहेगा। यहाँ पर देखिए मैंने दाल ऐड कर दी हूँ और थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। हरी धनिया है, हरी धनिया के बिना कुछ भी नहीं है। हरी धनिया से माशाल्लाह बहुत ही अच्छा खाना बन जाता है। अगर किसी दिन नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, इसमें कोई जरूरत नहीं है कि धनिया आना चाहिए। आलू पकने का इंतज़ार करेंगे थोड़ा, एक मिनट के लिए और पकाएंगे इसमें दाल के अंदर, फिर ये बन करके तैयार हो जाएगा। तो आज की रेसिपी है पालक पनीर आलू और मसूर की दाल के साथ। तो अब यहाँ पर देखिए पनीर है फ्राई किया हुआ, अब यहाँ पर ऐड कर देंगे हम पनीर को, थोड़ा मिक्स कर लेंगे। पनीर को ज़्यादा पकाना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आधे मिनट के लिए मैं और पकाऊंगी इसको, ताकि आलू भी अच्छे से पक जाए और पनीर भी थोड़ा पक जाए। आधे मिनट में ये सब्जी बन के मतलब तैयार हो जाएगी। तो देखिए गरम 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 देखिए पालक पनीर बनके हो गया तैयार। तो हम यहाँ पर चूल्हा ऑफ कर देंगे, थोड़ा सजा लेंगे। थोड़ी सी हरी धनिया से सजाएंगे। आज खाने में चावल बना है, मेरे पास करी पत्ता है, करी पत्ता से सजाएंगे। देखिए नींबू है, नींबू से थोड़ा सजाएंगे। तो आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।